जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा पावन पर्व है आज, क्योंकि आज परम पवित्र श्री राधा कुंड की प्रकट तिथि है। हम इस कार्तिक मास में, दामोदर मास में विजयदशमी सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली उत्सव होता है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट होता है, बहुत सारे उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। इस मास का सर्वोत्तम जो पर्व है वो आज का है, श्री राधा कुंड प्रकट तिथि। और सिर्फ इस मास का नहीं, अगर आप हमारे परम वैष्णवाचार्य जिन्होंने सनातन गोस्वामी जी के साथ पूरे ब्रजमंडल की कृष्ण लीलाएं प्रकाशित करी, जिन्होंने शुद्ध भक्ति सिद्धांत को हमारे सामने रखा, वे श्री रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत में लिखते हैं कि व्यक्ति साधना करते 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 सिद्धावस्था में जिस वैकुंठ को प्राप्त करता है, उस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा नगरी। राधा कुंड की महिमा बताते हुए कहते कि कितना उत्तम है ये राधा कुंड। वो कहते हैं वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। किस लिए? हमारे रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जो वैकुंठ है, जहां पर जन्म मृत्यु का कोई चक्र नहीं है, जहां पर ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध इत्यादि कोई नहीं है, जहां पर पहुंचकर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, उस वैकुंठ से भी अगर कोई श्रेष्ठ स्थान है तो वो कहते हैं वैकुंठा जनित भरा मधुपुरी। मधुपुरी माने मथुरा। और इसमें से क्या है? बोले वैकुंठ जैसा सब कुछ है, लेकिन इसमें एक विशेषता जो वैकुंठ में नहीं है वो है अजन्मा भगवान श्री कृष्ण यहां पर जन्म लीला करते हैं। अजन्मा भगवान की जन्म लीला यहां पर है, जो कि वैकुंठ में नहीं है, इसलिए मथुरा जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। फिर रूप गोस्वामी आगे बात कहते हैं कि मथुरा से भी श्रेष्ठ अगर कोई जगह है तो वो वृंदावन है। किस लिए? बोलो रासोत्सवात, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर रस के भक्तों को लेकर, गोपियों को लेकर रासलीला करी। रास का मतलब रस युक्त, रस माने आनंद, परमानंद वाली जो लीला है, ऐसा आनंद जिसके आगे और कोई आनंद नहीं है, ऐसे भक्त वहां पर है जिनसे श्रेष्ठ और कोई भक्त होता ही नहीं है, वो रासोत्सवात वो हुआ वृंदावन में। फिर रूप गोस्वामी पाद आगे कहते हैं वृंदावन से भी अगर कोई श्रेष्ठ स्थान है तो वह कहते हैं वृंदारण्य उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। गोवर्धन की महिमा वृंदावन से भी ज्यादा है। यहां पर तो रासलीला होती, यहां पर भगवान की विभिन्न लीलाएं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, ये जो गोवर्धन का बगीचा है, गोवर्धन के जो झरने हैं, गोवर्धन की जो गुफाएं हैं, इन इनमें कितनी भगवान की लीलाएं होती हैं जिनकी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं वृंदावन से भी श्रेष्ठ अगर कोई स्थान है तो वह है गोवर्धन। और अंतिम और चरम शब्दों में वे कहते हैं गोवर्धन से भी अगर कोई श्रेष्ठ स्थान पूरे विश्व में अगर कोई है तो वह है राधा कुंड। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमा प्रत पावना। इसमें तो भगवत प्रेम भरा पड़ा है प्लावनात। राधा कुंड विश्व का सर्वोत्तम तीर्थ है। किस लिए? क्योंकि अगर हम भक्तों की कैटेगरीज देखें, शांत रस के भक्त हैं जैसे वृंदावन की गायें हैं, बछड़े हैं, वहां के वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब शांत रस के भक्त हैं। फिर दास रस के कृष्ण लीला में चित्रक पत्रक इत्यादि दास हैं, दासियां हैं। फिर उनसे श्रेष्ठ सखा भाव के भगवान के
जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, वो लोग सख्य रस उससे श्रेष्ठ है, सख्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य रस, जिसमें नंद महाराज, यशोदा इत्यादि भक्त लोग आते, और वात्सल्य रस से श्रेष्ठ अगर कोई रस है तो वह है मधुर रस। मधुर में भी स्वकीय भाव से ऊपर है पारकीय भाव, और पारकीय भाव के भक्त हैं गोपियां। गोपियों का वो स्थान है जो कि नंद महाराज यशोदा का भी नहीं है, गोपियों का वो स्थान है जो कि सखाओं का भी नहीं है, गोपियों का वो स्थान है जो हनुमान जी या चित्रक पत्रक इत्यादि दासों का नहीं है। इतना उच्च स्थान है गोपियों का, और गोपियों में सर्वोत्तम गोपी अगर कोई है वह है श्रीमती राधा रानी, श्रीमद भागवत महापुराण के अनुसार। तो चूंकि राधा रानी जैसा कोई भक्त नहीं है, इसलिए राधा रानी से अभिन्न जो कुंड है, राधा कुंड से श्रेष्ठ और कोई तीर्थ नहीं है। हमारे श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के फाउंडर परम पूज्यपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों में जो हलादिनी शक्ति है, जिन शक्ति के माध्यम से भगवान सारे भक्तों को आनंद देते और स्वयं आनंदित रहते हर समय, वो हलादिनी शक्ति की मूर्तिमान विग्रह है राधा रानी। भगवान कृष्ण की जो हलादिनी शक्ति है उसकी मूर्तिमान विग्रह है राधा रानी, और हलादिनी शक्ति की जो द्रवीभूत मूर्ति है, लिक्विड फॉर्म जो है, वह है राधा कुंड। यानी कि हलादिनी शक्ति, भगवान कृष्ण की हलादिनी शक्ति का जो सॉलिड फॉर्म हुई वो राधा रानी हुई, और लिक्विड फॉर्म है वो राधा कुंड है। इसलिए राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है, ये अभिन्न राधा रानी है। अब चूंकि राधा रानी से श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं होता है, इसलिए उनसे अभिन्न जो राधा कुंड है, इससे श्रेष्ठ और कोई तीर्थ नहीं होता है। तो राधा कुंड विश्व का सर्वोत्तम तीर्थ है जिसका आज प्राकट्य है। तो हम सभी राधा कुंड और राधा कुंड से अभिन्न जो राधा रानी, उनके चरण में प्रार्थना करते हैं, वो हमको ऐसी कृपा करें कि ये धाम का स्वरूप हमारे नयन में स्फुट हो, धाम की जो लीलाएं हैं हमारे अंतःकरण में आए, और हम एक ऐसी भूमिका को प्राप्त करें कि जहाँ पर हम हे राधे आपके तत्व को समझ सकें, आपके आराध्य श्री कृष्ण के तत्व को समझ सकें, आपसे अभिन्न जो राधा कुंड है इसके तत्व को समझ सकें। इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।